बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबून से बाबर हयात शो। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में रिप्लेसमेंट्स की अनाउंसमेंट में अब सिर्फ अगर हम कहें तो 3 दिन बाकी रह गए, क्योंकि 15 लास्ट डेट है जब आप अपने किसी मतलब अनफिट प्लेयर की रिप्लेसमेंट जो है वो भी उसका भी ऐलान कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास कम से कम 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो इस वक्त जो है वो फिटनेस के लेवल्स पर पूरा नहीं उतर रहे, तो उन 2 खिलाड़ियों की जगह पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। दुनिया इस हवाले से बहुत तेजी से डिसीजन कर रही है। इंडिया ने 3 खिलाड़ी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया भेजने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपना स्क्वाड अच्छी खासी तब्दीली की अपने स्क्वाड के अंदर, लेकिन एक पाकिस्तान है कि जो अभी तक खामोश बैठा हुआ है। लेकिन पसे पर्दा कुछ आवाजें उठ रही हैं और बातें हो रही हैं कि क्या शर्जील खान की अभी भी एंट्री पाकिस्तान के स्क्वाड में हो सकती है, क्या शर्जील खान जो हैं वो फखर जमान को रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर उस्मान कादिर भी फिट नहीं है तो क्या उनकी जगह भी एक खिलाड़ी को भेजा जा सकता है, किस खिलाड़ी को भेजा जा सकता है। एक बड़ी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में सामने आई है एक जबरदस्त किस्म के स्पिनर के हवाले से, वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के दौरे पर आने के लिए इंग्लैंड ने अपने बड़े ही जबरदस्त किस्म के और तगड़े किस्म के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कौन कौन आ रहा है इंग्लैंड की तरफ से पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले तो बात कर लें कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में क्या होने जा रहा है। यानसन जो है वो उनको शामिल कर लिया गया है साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में, और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से साउथ अफ्रीका ने अपना जो है वो अपडेट किया है, स्क्वाड अपडेट किया है। उधर भारत को बड़ा झटका एक और लग गया है फिटनेस के हवाले से कि दीपक चाहर जो हैं वो अब बाहर हो गए हैं भारत के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से। हालांकि वो ट्रेवलिंग रिजर्व में थे लेकिन उसके बावजूद वो बाहर हो गए हैं, फिटनेस मसाइल का शिकार हुए हैं। पहले उनके बारे में ये सोचा जा रहा था कि शायद उनको जो है वो शामिल कर लिया जाए उनकी जगह बुमराह की जगह, लेकिन अब वो भी बाहर हो गए। तो 3 खिलाड़ी 3 जो है वो फास्ट बॉलर्स भारत ने भेजने का ऐलान कर दिया है ऑस्ट्रेलिया, और वो कौन कौन है, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और इसके अलावा जो है वो शार्दुल ठाकुर। और शार्दुल ठाकुर को तो उनके ट्रेवलिंग रिजर्व में अब दीपक चाहर की जगह शामिल कर लिया गया और उनको ये कहा गया है कि अब हमें मजीद कोई ट्रेवलिंग रिजर्व भी नहीं चाहिए। और ये जो बुमराह वाली सीट है उसके ऊपर अब डिस्कशन हो रही है कि शामी को शामिल किया जाए या फिर मोहम्मद सिराज को शामिल किया जाए। शामी के साथ बाकायदा एक डॉक्टर को भी भेजा जा रहा है। शामी हालांकि फिट है, उन्होंने लास्टली आपने देखा है कि उन्होंने बॉलिंग भी करवाई है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ एक डॉक्टर को भेजा जा रहा है। तो ये तो कर रहा है सर इंडिया, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान के फखर जमान अभी तक मैच फिट नहीं है, अभी तक वो रिहैबिलिटेशन में गुजर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर भी ये कहा गया है कि वो अपनी रिहैबिलिटेशन पूरी करेंगे। अब मैं कुछ सवाल आपसे उठाता हूं कि एक बंदा अपनी रिहैबिलिटेशन पूरी कर रहा है, मैंने कल आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से तो वो T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर है, क्योंकि अगर आप रिहैबिलिटेशन अभी तक अपनी पूरी नहीं कर सके और आप पहले दोनों जो वार्म अप मैचेस नहीं खेलेंगे तो किस तरह से आप इंडिया के खिलाफ खेलेंगे। और अगर आप इंडिया के खिलाफ शान मसूद के साथ जा रहे हैं तो यह भी आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक शान मसूद मतलब वक्फों में परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, लेकिन अगर आप कहें कि उन्होंने कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है तीसरे नंबर पर आगे तो वो अभी तक नहीं दे सके। फिर यह है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम
और ये तीनों एक ही तरह के बल्लेबाज हैं। हमारे टॉप ऑर्डर में 6 ओवर्स में कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जो 6 ओवर के दायरे के अंदर का फायदा उठा सके। तो हमें एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी और वो हम सोच रहे थे कि जनाब फखर जमान आ जाएंगे, चलें फखर जमान हो गए तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कुशन बन जाता। लेकिन अब अगर फखर जमान भी नहीं होंगे तो फिर क्या होगा जी। ऊपर से उस्मान कादर जो है वो भी फिट नहीं है, उनको वैसे ही वो कह रहे हैं कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है उनको। ये तो रमीज राजा ने भी कहा है कि हम उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई ऐलान कब होगा? दुनिया ऐलान कर रही है, आप लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? बाबर आजम क्या सोच रहा है? सब लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सिर्फ दोस्तियां निभानी है भाइयों? ये बड़ा सवाल है। अभी देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों ने, आपने आमिर जमाल को आप लोगों ने डेब्यू करवा दिया, ठीक है, इसलिए कि वो मियांवाली से उसका ताल्लुक था और मियांवाली से ताल्लुक की बहुत सारी रीजंस हो जाती हैं जिसकी बुनियाद पे कोई बंदा जो है वो टीम में शामिल हो जाता है। आपको पता बहुत सारे हमारे क्रिकेटर मियांवाली से हैं, आप समझदार हैं इस हवाले से, और भी बड़ी शख्सियात मियांवाली से ताल्लुक रखती हैं। तो मियांवाली में तो मियांवाली के लोग तो आ जाते हैं, आपको पता है कि मिसबा उल हक भी आए, उससे पहले हमारे इमरान खान साहब आए मियांवाली से, फिर मिसबा उल हक आए वो भी कप्तान रहे, फिर शादाब खान, अब उनके बारे में भी बात की जा रही कि मतलब वो कप्तान बन सकते हैं। तो आमिर जमाल भी जो है वो मियांवाली से, वो भी आ गए। एक बंदा जो है, एक लड़का जो हैदराबाद से है, कराची से है, उसका नाम है इब्रार अहमद, आपने उसको साथ में शामिल किया, टीम के साथ लेके गए, वो अच्छा स्पिनर है, क्वालिटी स्पिनर है और उसने प्रूव भी किया आपके नेशनल T20 कप में, आपने उसको एक मैच भी नहीं दिया, सिर्फ ये कि आपका ये दोस्त है उस्मान कादर और आप उसको ऑस्ट्रेलिया यात्रा पे लेके जाना चाहते हैं, भले वो अनफिट हो, भले वो फिट हो, भले वो लंगड़ा के चले, क्योंकि बाबर का दोस्त है इसलिए हम उसको लेकर के जाना चाह रहे हैं। फिर यही बात उठेगी ना, यही आवाज उठेगी। अब अगर वो भी फिट नहीं होता, खुदा ना खास्ता आपका एक स्पिनर अनफिट हो जाता है, आपके पास पीछे स्पिनर कौन सा है? आपके पास पूरे 18 रुकनी स्क्वाड में कोई स्पिनर नहीं है। आपके पास पूरे 18 रुकनी स्क्वाड में खुदा ना खास्ता अगर कोई आपका मतलब खाकम बदन कोई भी ओपनर दो में से आपका अनफिट हो जाता है, आपके पास तीसरा ओपनर की ऑप्शन क्या है? आप फिर ईशान मसूद को तीसरे नंबर पर लाएंगे तो मिडल ऑर्डर आपका कहां जाएगा, जो पहले ही लूला लंगड़ा हुआ है। तो सर सवाल तो उठ रहे हैं कि आपके पास तो टोटल 18 रुकनी स्क्वाड भी फिट नहीं है भाई, यानी ये जो दो लड़के हैं इनमें से चलें इनको आप शामिल कर लें, चलें वो ट्रैवलिंग रिजर्व भी आप देख लें तो वो भी आपके पूरे नहीं है, कम से कम उनको तो भिजवाएं, अपना 18 रुकनी स्क्वाड तो कंप्लीट करें, अदरवाइज मैचेस के दरमियान तो इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप यहां से किसी बंदे को कहें और वो जाए और वो जाके आपकी टीम को ज्वाइन कर सके। क्या सिर्फ मोहम्मद हारिस के ऊपर भरोसा किया हुआ है और उसको भी आपने एक T20 मैच दिया है सिर्फ? सो ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, और ये दुआ करेंगे मेरी सारी ये सोचें जो है वो गलत साबित हो जाए, लेकिन ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए बात हो रही है, अभी भी बात हो रही है कि व्हाई नॉट यू आर सेंडिंग शर्जील खान। प्रॉब्लम क्या है भाई? रमीज राजा कह चुके हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो शर्जील को बुलाते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि जी शोएब मलिक को अगर कोई सेंड कर देता तो मुझे उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई SOS कॉल आ जाती है उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम किसको है भाई, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रॉब्लम किसको है फिर? कोई क्यों नहीं जाने दे रहा? व्हाई नॉट आप एक शर्जील को भाई ट्रेवलिंग रिजर्व में ही रख लें कि आपके पास एक एक ओपनर की ऑप्शन तो हो यार, एक आपके पास ओपनर पीछे होना चाहिए, फिर एक आपके पास लेग स्पिनर होना चाहिए, स्पिनर आपके पास दो हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता शादाब को कोई मसला बन जाता है तो आपके पास उसकी क्या रिप्लेसमेंट है? अबरार अहमद, उसने ये जो अब आज ही मैच खत्म हुआ है हमारे यहां एबटाबाद में, और एबटाबाद से याद आया आपको बता दूं, आप भी हैरान होंगे कि यार इन्होंने बाकायदा जो है वो ये जर्सी पहन ली है। तो भाई ऐसा इसलिए है कि हमारे यहां पे अच्छी खासी ठंड है और राइट नाउ जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो इसमें बाकायदा मुझे सर्दी लग रही थी और मैं बाहर से आया हूं तो मैंने इसलिए मजबूरन ये पहनी है। ये ना सोचिएगा ये पागल यार ये इतनी गर्मी, अब लाहौर वगैरह में भी मौसम चेंज हुआ है लेकिन उतनी वहां पर अभी ठंड नहीं है जितनी हमारे शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे तो रात बारिश हुई है और बारिश में बाकायदा ओले पड़े हैं और उससे और ज्यादा सर्दी बढ़ गई। बहरहाल जी शर्जील खान को कंसीडर करना चाहिए, अभी भी वक्त है पाकिस्तान को शर्जील खान को
बतौर एक रिप्लेसमेंट ओपनर के तौर पे ही आप कंसीडर कर लें, अगर आप मतलब उसको ले जाएं तो अभी भी टाइम है, दो दिन पड़े हुए हैं आपके पास, तीन दिन पड़े हुए हैं, आप उसको वहां पर जो मतलब ऑब्वियसली वहां पे पाकिस्तान को दो जो है वो वार्म अप मैचेस खेल लें, वहां पे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा, ये बड़ा सवाल है क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों सोए हुए हैं सारे। मतलब उसने इब्रार की मैं आपको बात बता रहा हूं कि आज हमारे एबटाबाद में उन्होंने खेलते हुए सदरन पंजाब के खिलाफ 10 विकेटें ली हैं, यानी उनका फर्स्ट 10 फॉर समझ लीजिए, और मैंने उसकी बॉलिंग देखी है बाकायदा, आप भी कायदे आजम ट्रॉफी में जाके देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो। और ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर है कि जो इंग्लैंड अब पाकिस्तान आ रहा है तो वहां पर क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा है यासिर शाह, तो आप उसको थोड़ा सा ले गए टीम के साथ रखें, उसको ट्रेंड करें, व्हाई नॉट टू प्ले हिम अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है वो आपके यहां आ रही है, तो आप स्पिनर का जो मतलब जाल है उसमें इंग्लैंड को फंसा सकते हैं। तो ये मतलब मैं तो ये चाहूंगा कि अगर मैं होता यार, मैं तो इन दोनों को भिजवाता, क्या प्रॉब्लम है, ना खिलाओ यार। लेकिन आपके पास पीछे बैकअप में तो कोई होना चाहिए, राइट नो है नहीं आपके पास कोई भी बैकअप में, 15 के बाद आप फिर किसी को चेंज नहीं कर सकेंगे। आपने तो अपने आपके पास तो फिटेस्ट 18 स्क्वाड भी नहीं है जिसमें सब लोग फिट हो, मतलब उस्मान कादर फिट नहीं है, उसके बाद हसनैन अभी तक जो है वो फिट नहीं हुआ मैच के लिए, वो उसको वायरल, किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाती, किसी को कुछ हो जाता, किसी को कुछ हो जाता, ये सवाल बनता है, ये मैं पूछ रहा हूं, और उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई जवाब बहुत जल्दी आइंदा 24 घंटों के दरमियान कोई ना कोई जवाब आने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और उम्मीद है कि कोई बेहतर जवाब आएगा। बहरहाल अब जवाब आ गया है इंग्लैंड की जानिब से, और इंग्लैंड की टीम ने एक अच्छा तगड़ा स्क्वाड पाकिस्तान के दौरे के लिए अनाउंस कर दिया है। 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड खेलेगी जिनका आगाज 1 दिसंबर से होगा, यानी राइट आफ्टर T20 वर्ल्ड कप, नवंबर मिड में T20 वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड पाकिस्तान आ रही है, जैक क्रॉली होंगे, इसके बाद कीटन जेनिंग्स जो है इनको 3.5 साल बाद टीम में शामिल किया गया है ओपनिंग करने के लिए, ये आ सकते हैं विद जैक क्रॉली ओपनिंग करेंगे। ओली पॉप, उसके बाद जो रूट, वाओ, वन ऑफ द ग्रेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, आप पाकिस्तान में इनको खेलते हुए देखेंगे। उसके बाद हैरी ब्रूक को जनाब शामिल किया गया है और लियम लिविंगस्टन को शामिल किया गया है, इन दोनों को डेब्यू करवाया जाएगा, और इसकी वजह यह है कि इन दोनों की कारकर्दगी पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तानियों, तुम्हारे चलाए हुए कारतूस अब तुम्हारे खिलाफ ही चलेंगे, ये जहन में रखो। उसके बाद बेन डकेट, पाकिस्तान में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है राइट नाउ, उन्होंने जो काउंटी सीजन खेला है बहुत अच्छा उन्होंने खेला है, तो उनको भी 6 साल बाद टीम में शामिल किया गया। विल जैक्स, इनको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे, ये भी पाकिस्तान आए हैं। उसके अलावा बेन फोक्स जो हैं वो विकेट कीपर हैं। जैमी ओवरटन जो हैं इनको बतौर फास्ट बॉलर, ओली रॉबिन्सन फास्ट बॉलर, जेम एंडरसन द क्लासिक फास्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, हमारे इंशाल्लाह पिंडी लाहौर कराची में, पिंडी मुल्तान और कराची में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद मार्क वुड और जैक लीच जो हैं, बेसिकली जैक लीच जो हैं वो वाहिद इनके फुल स्पिनर हैं, और इसके अलावा उनके साथ जो है फिर वो विल जैक्स होंगे, इसके अलावा लियम लिविंगस्टन होंगे, ये दोनों जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं। सो ये स्क्वाड उन्होंने अनाउंस कर दिया, स्क्वाड तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, और अब मामला हो गया है अगली जो आखिरी बात, वो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, मैच होने जा रहा है ट्राई सीरीज में। थोड़ा सा इररिलेवेंट हो गया है बांग्लादेश के लिए क्योंकि बांग्लादेश बाहर हो गई है, लेकिन दूसरी जानब न्यूजीलैंड ने आज हमारे लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिस तरह से उन्होंने 208 रन बनाए, तो हमें वो बता रहे हैं कि फाइनल में तुम्हारा हमारा टाकरा होना है, और वी आर नॉट कमिंग स्लो। तो पाकिस्तान के लिए बड़े सवालात हैं, भारत पाकिस्तान को जीतना चाहिए ये मैच, और जीत कर अपना जो जिसको कहते हैं फाइनल में जाने से पहले पाकिस्तान को अपना इख्तिताम जो है वो अच्छे अंदाज से करना चाहिए। कोई तब्दीलियां वगैरह, आई एम नॉट श्योर कि कोई फिलहाल कोई एज सच कोई तब्दीली होगी, हारिस रऊफ वापस आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ शाहनवाज धानी, अदरवाइज आई थिंक एवरीथिंग विल बी द सेम। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।